आज मेरी नेशनल असेंबली में पहली तकरीर है। फॉर्म 45 वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जनाब स्पीकर, मैं मलिक उमर फारूक NA99 फैसलाबाद से अवाम का मुंतखब नुमाइंदा। जनाब वाला, मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और उसके बाद में वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने हल्के की गयूर अवाम, मजदूरों, किसानों को, गरीब लोगों को सलूट पेश करता हूँ जिन्होंने इन मुश्किल हालात में इमरान खान के कैंडिडेटों को, जबकि हमारे बल्ले का निशान छीन लिया गया, जबकि हमारे लीडर को जेल में डाल दिया गया, लेकिन अवाम ने जिस बहादुरी का सबूत दिया, अवाम ने जिस बहादुरी का सबूत दिया और अवाम इमरान खान के कैंडिडेटों के 50 निशानों में से निशान ढूंढ ढूंढ कर मोहरे सबत की और इमरान खान के सिपाहियों को इस ऐवान में पहुंचाया, मैं उस गयूर अवाम को सलाम पेश करता हूं। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मुल्क में दो तरह के डाकू हैं। एक कच्चे के डाकू जो कराची और अंदरूने सिंध में लोगों का अगवा करके बत्ता मांगते हैं, अगर कोई बत्ता ना दे तो उनको कत्ल कर देते हैं, और दूसरे पक्के के डाकू हैं जो फार्म 47 की पैदावार हैं और इस अवाम, गरीब अवाम के मुल्क के वसाइल पर काबज हैं और दोनों हाथों से लूट कर इस मुल्क को गिद्ध की तरह नोच रहे हैं। जनाब स्पीकर, फार्म 47 की हुकूमत ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। ये बजट अवाम दुश्मन बजट है और गुर्बत की चक्की में पिसे हुए अवाम पर सुनामी बजट साबित हुआ है। इस बजट में ना तो गरीब अवाम को कुछ दिया है बल्कि उनको कंगाल कर दिया है, बल्कि सफेद पोश तबका भी उन असासों से महरूम हो चुका है जो अपनी इज्जत से रोटी कमा के खाते थे। जनाब स्पीकर, जो तबका तनख्वाहदार है, पहले ही महदूद वसाइल में अपनी जिंदगी गुजार रहा था, उन पर भी टैक्सों की भरपार बरबार कर दी गई है। जनाब स्पीकर, इस बजट में ना तो कारखानों की बिजली के लिए सब्सिडी दी गई है जिनसे कारखाने चलें और मजदूर का चूल्हा चले, ना तो मजदूरों के कारखानों जहां वो काम करते हैं जिनसे उनका चूल्हा चलता है, ना तो उन कारखानों को बिजली कोई सब्सिडी दी गई है, ना उनके मजदूरों के मजदूरी के लिए कोई प्लान है और ना तो किसानों के लिए कोई रिलीफ है। इस बजट के अंदर कोई खादों को, उनको सस्ती खाद देने का प्रोग्राम हो, या वो ट्यूबवेल की बिजली फ्री हो, या कोई सोलर की मद में उनके लिए रिलीफ हो, सर कुछ भी नहीं है, जीरो। किसान जो कि पहले ही बदहाली का शिकार हो चुका है, उनकी गंदम जो कि कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, इन्हीं का माफिया जो कि आगे उसको 2200 उनके मन का रेट लगा रहा है, आज भी उनके घरों में पड़ी हुई है, आज भी वो बेकसी और बदहाली का शिकार है। जो किसान अपनी फसल बोता है इस उम्मीद पर कि जब मैं फसल बेचूंगा, अपने बच्चे के लिए घर बनाऊंगा, मैं अपनी बच्ची की शादी करूंगा, कोई अपना घर तमीर करूंगा, सर कुछ भी उनके लिए नहीं है। और दूसरा सर, 2016 के अंदर जो पैक दूध है उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 18% टैक्स लगाया गया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर उस टैक्स को उठा लिया गया, खत्म कर दिया गया। आज दोबारा इसी हुकूमत ने उस बजट को दोबारा लगाने की तजवीज पेश की है। सर ये बजट ना के उस इंडस्ट्री को फरोग देगा जो खुला दूध बेच रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर 90% पैक दूध आता है जो सेहतमंद है, लेकिन सर पाकिस्तान वाहद मुल्क है जहां 90% खुला दूध बेचा जा रहा है जिसमें मिलावट है और जो मुजरे सेहत है, लेकिन उसके लिए कोई प्लान नहीं है, बल्कि ये उस इंडस्ट्री को बंद करना चाहते हैं जिनमें जो फैक्ट्रियां दूध पैक कर रही हैं। सर उसमें हजारों मजदूर काम करते हैं, उनमें लोगों की इन्वेस्टमेंट है, सर डेयरी फार्म वालों का नुकसान होगा। इस टैक्स को फिल फॉर खत्म किया जाए, इस तजवीज को मैं इस ऐवान से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस
कीमत 50 से 70 रुपए फी लीटर बढ़ सकती है, जहां 7,500 मुलाजमतें खत्म होने का खतरा है। दूसरा सर, मैं अपने हलके की बात करूं, मेरे हलके में अमन व अमान की सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि जहां चोर दिन दहाड़े फिर रहे हैं, लोगों के मोबाइल फोन छीन रहे हैं, अगर कोई एटीएम से पैसे निकला रहा है तो उससे भी पैसे छीन रहे हैं गन पॉइंट पर। पुलिस ना तो चोरों को पकड़ रही है ना चोरों का पीछा कर रही है, बल्कि वो देखती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से नुमाइंदे घरों में हैं, कहां पे रैली हो रही है, कहां पे 10 बंदों की मीटिंग कर रहे हैं, वहां पे पुलिस इस टिकटॉकर हुकूमत के हुक्म पर पहुंच जाती है, ना कि अमन व अमान का सूरतेहाल दी जाए। सर, आइन के अंदर हर ऑफिसर आइन का हलफ लेता है कि आइन के तहत चलेंगे, लेकिन सर आज ये आइन तो बेआइन सरजमीन पाकिस्तान हो चुका है, जहां ना कोई बाइज्जत शहरी ना तो सेफ है, ना बाइज्जत आदमी इस मुल्क में आराम से सुकून से रह सकता है। उसको यही फिक्र रहती है कि पता नहीं कब पुलिस आ जाए, पता नहीं कोई कब जाली पर्चा काट दिया जाए, पता नहीं कब क्या होगा। और सर मैं आपको बताऊं, 9 मई की तो मेरे लीडर ने भी मजम्मत की थी, जिन लोगों ने किया है, जो बेनिफिशरी हैं सर, उनसे उनका एहतसाब किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब खत्म की गई तो सर क्या इश्यूज थे? सर 9 मई तो ये बात तो वही है जब कल उमर अयूब साहब ने भी कहा है कि 9 मई तो बहाना था, इमरान खान निशाना था। सर दूसरा, पुलिस अगर मेरिट पे काम करे तो लोगों के मसाइल हल हो जाएं, लेकिन आज एक ही है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों को, उनके वर्करों को, इमरान खान के सिपाहियों को निशाना बनाना है। सर मैं आपको बता दूं, ऐसे मुल्क नहीं चल सकता, ना तो इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी। वो ओवरसीज जो इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करता था, अपनी प्रॉपर्टीज खरीदते थे सर, लेकिन आज वो ओवरसीज परेशान है। हर महल्ले से 2-4 बंदे बाहर थे तो अपने महल्ले को, रिश्तेदारों को वो कवर करते थे, उनके खाने पीने का ख्याल करते थे। आज ओवरसीज को क्या किया जा रहा है? सर मेरी बात सुने, अगर कोई बंदा बाहर जाता है और वो काम करने की मद से अगर वहां पे अपनी नेशनलिटी की कोशिश करता है तो सर वो पैसा सरमाया कमा के इस मुल्क के अंदर बेचता है। आज कहते हैं कि उस पाप खत्म कर दिया जाएगा। सर ये जुल्म है, इस मुल्क के साथ भी जुल्म है। अगर आप आज भी डाटा निकालें तो इस मुल्क के अंदर जो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी वो ओवरसीज की होगी।